जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की बात की गई है, वो कौन कौन से आपातकाल है और संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आते हैं और किस कंडीशन में कौन सा आपातकाल लगती है, किसके द्वारा आपातकाल लगती है और अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगी है, इस सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भारत के संविधान में कितनी तरह की आपातकाल की बात की गई है। तो दोस्तों तीन तरह की आपातकाल की बात की गई है। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो पहला आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के संविधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है और यह कब लग सकता है यह आपातकाल, तो चार कंडीशन है ऐसे। अगर ये चार कंडीशन होती है तब भारत के राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। पहला है बाहरी आक्रमण, या कोई विदेश है जब देश पर आक्रमण करती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है युद्ध की माहौल हो तब हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो तब हो सकता है, या आंतरिक अशांति हो यानी भारत के अंदर भी अगर अशांति का माहौल हो तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो ये चार कंडीशन है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और तब किया जाता है जब मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित सिफारिश दी जाती है राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति जी ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लग चुका है। पहला दो बार लगा है बाहरी आक्रमण की वजह से, कब, तो 1962 में जब चीन और भारत की जब लड़ाई चल रही थी उस समय, और दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध के समय, और तीसरा आंतरिक अशांति के कारण 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो ये तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है। पहले जब आपातकाल लगता था तो पूरी इंडिया पे लगता था, यानी कि किसी विशेष पार्ट पे लगता था, पूरी इंडिया पे आपातकाल लगता था। लेकिन 44वां संशोधन के बाद ऐसा कानून बना कि अगर आपातकाल लगती है तो पूरी भारत पर भी लग सकती है या किसी विशेष राज्य पर, भारत के किसी एक राज्य पर भी ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो जैसी उस समय की माहौल रहेगी उसके हिसाब से ये राष्ट्रीय आपातकाल 44वां संशोधन के बाद लगाया जा सकता है, पूरी भारत पर भी या भारत के किसी एक विशेष राज्य पर भी। जब ये आपातकाल की घोषणा होती है तो एक माह के लिए, एक मंथ के लिए ही प्रभावशाली होती है। अगर उससे आगे बढ़ाना होता है तो दो तिहाई वोट से, संसद में दो तिहाई बहुमत से पास होगी, तब ये 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये पूरी प्रावधान है। दूसरा आपातकाल आते हैं जो राष्ट्रपति शासन है, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है वो है। ये कब लगता है राष्ट्रपति शासन और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये 356 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये आता है राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में लगता है। और ये कब लगता है, तो केंद्र के निर्देशों का जब पालन नहीं करता है या केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य जब सक्षम नहीं होता है या संवैधानिक तंत्र का विफल होता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और कितने दिन के लिए लगा सकता है, तो ये 2 माह के लिए ही प्रभावशाली होता है। जब एक बार राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी राज्य में तो 2 माह के लिए प्रभावशाली होता है। अगर फिर आगे भी बढ़ाना है तो फिर उसी तरह संसद से बहुमत पास करनी होती है और ये
छह मार्क करके 3 साल तक का बढ़ाया जा सकता है। ये अनलिमिटेड के लिए नहीं होता है, एक बार राष्ट्रपति के द्वारा 2 मार्क के लिए बढ़ाया जाता है, फिर अगर दूसरी बार फिर उससे ज्यादा करनी है तो संसद के द्वारा बहुमत पारित होगा, तब 6-6 माह कर करके मैक्सिमम 3 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था जो 1951-52 में लगा था, उसके बाद कई राज्यों में भी लगा है, जम्मू कश्मीर में भी लगा है, राजस्थान में भी लगा है, तो ये ऐसे कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब आते हैं हम तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है, तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है और ये कब लगता है, जब भारत के वित्तीय अवस्था पे खतरा रहती है तब ये आपातकाल लगाया जाता है। और ये जब राष्ट्रपति लगाता है तो 2 माह के लिए लगाता है, उसके बाद अगर उसकी अवधि बढ़ानी होती है, अगर वित्तीय आपातकाल की अवधि बढ़ानी होती है तो फिर उसी तरह संसद से बहुमत 2/3 बहुमत से पास होगा, तब ये अनलिमिटेड समय के लिए, इसकी इसमें समय निर्धारित नहीं है, कितना ही समय के लिए वित्तीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। और अभी तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो दोस्तों, और इस कंडीशन में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल में जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होती है, बाकी जो भी संवैधानिक पद है राष्ट्रपति को छोड़कर जो भी संवैधानिक पद है उनके पदों की जो वेतन होती है उनमें जो भी वित्तीय स्थिति रहेगी उस समय उसके हिसाब से उनके वेतनों में कटौती की जाती है, बस राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि भारत के संविधान में कितनी तरह की आपातकाल है और किस कंडीशन में कौन सा आपातकाल लगता है और कितने दिनों के लिए लगता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।